देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी, बस। शिवसेना युबीटीची भूमिका ही इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी बरोबर राहणं, आणि ज्या जनतेने आम्हाला साथ दिली त्यांच्याशी बेमानी न करणं हीच राहील। ठीक है, ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं, उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहां तक कह दिया, और के सहारे मेरा एक जवाब पूरा हुआ, और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति इस राज्य में, महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा, लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम जो अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, और उसकी कीमत ये चुका रहे हैं। आपने यहाँ पे कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है, ये भी है, ये भी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। राव साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री होते हैं तो संघ का उनको समर्थन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि आप संघ का समर्थन, मुझे ये नहीं लगता है। मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना, संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है, और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्राबाबू नायडू थे। चंद्राबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है, और उसके पीछे मोदी और शाह है, ये चंद्राबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्राबाबू जी उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि संघ की तरफ से गडकरी हो या राजनाथ सिंह, ये विकल्प भी तैयार? वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, आगे बहुत कुछ होने वाला है।